अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं टिक्का मैक्रोनी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस, हमने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। एक पैकेट हमने एल्बो मैक्रोनी का लिया है। तकरीबन एक हमने प्याज ली है बड़ी वाली, आधा कप ऑयल का। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 टीस्पून। मैदा लिया है हमने 2 से 3 टेबल स्पून। और टिक्का मसाला हमने लिया है नेशनल का, तकरीबन हमें 3 टीस्पून चाहिए। तो चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर प्याज डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम ये आधा कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल हमने डाल लिया। अब हम इसमें ये जो प्याज हमने रखी थी, ये प्याज हम ऐड कर लेंगे। अब हम इसको लाइट ब्राउन सा करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन होने लग गई है। ये थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये प्याज जो है तकरीबन गोल्डन होने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है इसको हमने ऐड कर दिया। अब हमें इसको थोड़ा सा भून लेना। देखें कितना अच्छा सा कलर इस पे आता जा रहा है। जब ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये चिकन जो हमने रखा है। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फिर हमने इसमें जो टिक्का मसाला रखा था ना, नेशनल का टिक्का मसाला मैंने लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर करेंगे इसमें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बनती है, बड़ी मज़ेदार टेस्टी सी होती है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें अब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। चार टीस्पून हमने ये मसाला ऐड कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। बड़ी झटपट ये भी रेसिपी तैयार हो जाती है।
ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाए तो जो मैदा हमने रखा था उसको हम पानी में मिक्स करके वो इसमें ऐड कर देंगे। बड़ी अच्छी सूखी खुशबू आने लग गई है टिक्का मसाले की। अब एक बाउल में हम तकरीबन 1.5 कप पानी ले लेंगे और ये जो मैदा हमने रखा हुआ था इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें इसकी गुठलियाँ बन रही हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छा जी, ये मैदा हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अब हम इसको चिकन के अंदर ऐड करते हैं। ये देखें हम इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें हमने इसमें ये ऐड कर लिया। ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मैदा है ये पक जाए। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम हमने इसकी स्लो कर देनी है। हाँ जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कैप उठा के देखते हैं। ये देखें ये तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें ये जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी हुई थी इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लें, मिक्स कर लें। ये देखें इतना जबरदस्त है इसका कलर आ गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। हमारा गर्मा गर्म पास्ता रेडी है।
हाँ जी, तो हमारी मज़ेदार सी टिक्का मैक्रोनी तैयार है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा हरा धनिया से इसको हमने गार्निश कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।